वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि राधे श्याम एक रोमांटिक फिल्म है जिसका कई लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह अगली फिल्म पोस्ट है जो प्रभास कर रहे हैं। जैसा कि जिल प्रसिद्धि के राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म इटली में आधारित है और वह भी एक पीरियड ड्रामा। VFX का हिस्सा फिल्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि फिल्म के लिए किया गया VFX शीर्ष स्तर पर है और निर्माता इस उद्देश्य के लिए बहुत खर्च कर रहे हैं। बता दें कि राधे श्याम के निर्माताओं के करीबी सूत्रों से पता चला है कि प्रभास अभिनीत फिल्म के जिस हिस्से को इटली में शूट किया गया था वह किसी मुद्दे पर उतारा है, जिसे अब फिर से शूट करने के बजाय VFX के काम के साथ फिर से बनाया जा रहा है, इसलिए फिल्म को और समय चाहिए। अभी भी राधे श्याम के गीत और कुछ दिनों के पैचवर्क की शूटिंग लंबित है। बता दें कि निर्माता इस नाटक को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रभास कई भाषाओं में दशहरा के अवसर पर रिलीज करने के विचार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।